हाँ तो गाइज यार गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो इवनिंग, एंड दिन में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। तो आज हम एक कॉमिक का हिंदी प्रीव्यू करने वाले हैं। उस कॉमिक का नाम है द लॉ ऑफ यामा एंड इसका जो ऑथर है वो है एक्स एम यूनिकॉर्न। एंड इसका जो टारगेट है, यानी कि जो रीडर्स का टारगेट है वो मैच्योर ऑडियंस, यानी कि आप मैच्योर होने चाहिए। वैसे तो मैं खुद भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलता है, क्यों भाई हो, है ना। तो ये है द लॉ ऑफ यामा। यहाँ पे भी इसका एक दूसरा ऑथर भी बताया जा रहा है, मोफेल शायद से उसका पर्सनल खुद का नाम है, एंड कॉपीराइट ओनर भी यहाँ पे शो हो रहा है। लेट्स बिगिन। तो यार कॉमिक के फर्स्ट सीन पे चलते हैं। इसका पहले ओपनिंग पोस्टर देख लीजिए आप। ओपनिंग पोस्टर देख के मुझे तो डर लगने लग गया है, पता नहीं कॉमिक कैसी होएगी। एंड इसके फर्स्ट सीन में आप देखते हो कि यहाँ पे रनिंग हो रही है, एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, बिल्डिंग में एक लड़का बर्गर शॉप की वेबसाइट खोल के बैठा हुआ रहता है। जैसे उसकी मॉम उसकी आवाज़ देती है तो वो उस वेबसाइट को अपनी मॉम से छुपा लेता है एंड कहता है हाँ मॉम क्या हुआ। तो यार ये आप देख सकते हो, ये हमारी कहानी का मतलब इस पूरी कॉमिक का मेन कैरेक्टर है एंड इसका नाम है जीवहरी। 18 साल ओल्ड है, 18 साल का वह लड़का है ये। एंड इसकी मॉम कहती है कि एंड इसकी मॉम की आज नाइट शिफ्ट होती है, तो इसकी मॉम इसको घर पर रहकर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कहती है। एंड इसकी जो मॉम है वो है जूलिन, 38 ईयर्स ओल्ड है। एंड वो लड़का भी कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं पहले एक शावर लूँगा पढ़ाई से पहले एंड फिर अपनी पढ़ाई करूँगा। तो वो मॉम उसकी मॉम जा रही होती है एंड वो उसको मॉम को रोकता है और कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, एक अम्ब्रेला ले लो। एंड वो शावर के लिए चला जाता है वो लड़का। उसकी मॉम उसकी तरफ से एक शक की निगाहों से देखती है। अब इसे किस बात पर शक हुआ है तो आगे देखते हैं। एंड वो वापस अपने कंप्यूटर में लग जाता है, वो शावर करने नहीं जाता है। एंड हमें एक बर्गर शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जो बॉस होता है वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें याद दिलाना ज़रूरी था, मैं बॉस हूँ, आलसी पना मत दिखाना, जल्दी जल्दी काम करना, कोई गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा। और ये वो उसे एक नंबर 4 पर ले जाने के लिए कुछ देता है, यानी कि डिश। तो वो उसे वहाँ पे लेके जाता है नंबर 4 टेबल पे एंड वो बर्गर देता है। तो बर्गर देने के बाद जब वो खड़ा होता है, मतलब कि पहले वो झुका रहता है बर्गर देने के लिए, एंड जब वो खड़ा होता है तो ओ माय गॉड, उसकी मॉम उसे दिखाई देती है। वैसे ये रिएक्शन तो उसका होना चाहिए था। उसकी मॉम उसे देखकर शॉक हो जाती है, यानी कि मॉम भी उसे देख के शॉक हो जाती है एंड जीव हुई भी उसे अपनी मॉम को देख के शॉक हो जाता है। एंड उसकी मॉम समझ जाती है सारा मैटर। उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बहुत गुस्से में होती है। वो जीव हुई बाहर आके उसके अपनी मॉम से मिलता है एंड उसकी मॉम उसे घर पर ले जाने के लिए ज़बरदस्ती करती है। वो देख के तो शॉक हो ही रहा हुआ होता है, यानी कि एकदम चौंका हुआ रहता है। एंड वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मॉम। तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा से कहती है शट अप, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने टाइम देखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काम करने की, मैंने तुम्हें बहुत बार पकड़ लिया है। एंड वो बेचारा बच्चा चुप हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता, मॉम के सामने किसकी चलती है। एंड वो उसको घर पे आने के लिए कहती है। तो यार बहुत ही सीरियस मैटर होने जा रहा है ये। एंड मॉम व्हाट कम बैक हियर, हाँ मतलब घर पे आने के लिए कहती है तुम्हें केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम क्या अपने एग्जाम के लिए तैयार हो, ऐसा उसकी मॉम कहती है। एंड वो कहता है कि हम कितने गरीब हैं एंड इंग्लिश का कोर्स कितना महंगा है मॉम। एंड ये जब कन्वर्सेशन चलती रहती है तो सारे लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। लोगों का तो काम होता है, काम धंधा तो कुछ होता नहीं है,
दूसरों को देखने लग जाएंगे और कुछ नहीं तो यार। हाँ तो ये यहाँ पे है एंड इसकी मॉम की सारी उम्मीदें उसी पे रहती है एंड लास्टली एक बार उसे और कहती है होम में चलने के लिए। चैप्टर वन का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हाँ शेयर आल्सो।